अस्सलाम वालेकुम, माइक्रोबायोलॉजी का आज आपका मेरे साथ है सेवन्थ लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे आपके यूनिट नंबर 2 में जो डेफिनेशंस बताई गई हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है स्टेरिलाइजेशन की। स्टेरिलाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स, रिमूव्स, किल्स और डीएक्टिवेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक प्रियॉन्स। अच्छा, उसने कहा कि स्टेरिलाइजेशन जो है वो कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप ख़त्म निकालेंगे, रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे, किल करेंगे और डीएक्टिवेट्स या डीएक्टिवेट कर देंगे जितनी भी ज़िंदगी की इकसाम है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को भी किल करेंगे इसमें, प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक सर्फेस, किसी एक खास जगह पर, ऑब्जेक्ट और फ्लूइड या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से या किसी फ्लूइड में से, फॉर एग्जांपल फूड और बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया। एग्जांपल दीजिए, फूड से आप रिमूव करेंगे या फिर कल्चर मीडिया से, स्टरलाइजेशन इसे कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी जी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स आर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, सेप्सिस और पेट्रीफिकेशन। अच्छा जी, एंटीसेप्टिक्स में आ जाते हैं, जैसे जो आप एंटीसेप्टिक्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, हैंड वॉश, ठीक है, हैंड वॉश नहीं, सॉरी, क्या इसे कहते हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइजर्स, यानी आप अपने हाथों पे लगा लेते हैं, वो भी एक एग्जांपल है एंटीसेप्टिक्स की, ठीक है, आजकल कोरोना से बचने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एसेप्सिस। एसेप्सिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एसेप्सिस जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक जगह को माइक्रोब्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उनसे फ्री कर देते हैं, उसे कहते हैं हम एसेप्सिस। नेक्स्ट है जी एसेप्टिक। इट मींस फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन कॉज बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। एसेप्सिस जो है वो एक प्रोसेस है और एसेप्टिक जो है ये आगे जाएगा जी, एसेप्सिस जो है ये थोड़ी सी पीछे गलती हुई थी इसमें, आप देख लें, एसेप्सिस जो है इज़ अ प्रोसेस टू अचीव द स्टेट ऑफ बींग फ्री फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम से जान छुड़ाते हैं, छुटकारा हासिल करते हैं। फिर आता है जी एसेप्टिक। एसेप्टिक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन कॉज बाई हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेज और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सर्जिकली स्टेराइल और स्टेरिलाइज। कोई चीज़ जो बिल्कुल स्टेराइल है या स्टेराइल, उसे हम कहेंगे एसेप्टिक है ये चीज़, ठीक हो गया। माइक्रोबिसिडल जो है, अ माइक्रोबिसाइड इज़ एनी बायोसिडल कंपाउंड और सब्सटेंस हुज़ पर्पस इज़ टू रिड्यूस द इनफेक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स सच एज वायरसेस और बैक्टीरिया। माइक्रोबिसाइड कोई भी बायोसिडल कंपाउंड होता है, ठीक है, जो यूज़ करेंगे हम माइक्रोब्स के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, यानी उनकी एंट्री वगैरह को ख़त्म करने के लिए, वायरसेस के अगेंस्ट होगा या बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो, किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट होगा, उसे हम कहेंगे माइक्रोबिसिडल, जो उन्हें किल करेगा, सिडल है ये, ठीक हो गया, माइक्रोब्स को केयर करने वाला। फिर आती हैं जी एंटीबायोटिक्स। एन एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन आर वाइडली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सच इन्फेक्शन। दे मे ईदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा जी, एंटीबायोटिक्स कोई भी ऐसी, एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक्स मीन्स लाइफ, तो लाइफ के अगेंस्ट जो भी होंगी मेडिसिन या कुछ भी केमिकल्स, उसे हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर लाइफ के अंदर जो है वो आ जाएंगे आपके माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो भी होंगे, इसमें वायरसेस बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के अंदर ही एंटीवायरल्स भी आ जाती हैं, एंटीफंगल्स भी आ जाती हैं, एंटीबैक्टीरियल भी आ जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ एंटीबैक्टीरियल को बताया हुआ है, तो लेकिन आप ब्रॉडली इसे रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके अंदर जो भी होती हैं वो इसे या तो किल करती हैं या एंटी होती हैं, अगेंस्ट होती हैं, यानी या तो उसको ग्रोथ को स्टॉप करेंगी तो वो स्टेटिन होंगी, स्टेटिन्स नहीं होंगी, स्टेटिक्स करेंगी, स्टेटिक, ठीक है, या फिर वो उसको करेंगी किल करेंगी तो वो होंगी माइक्रोबिसिडल, और अगर वो करेंगी सिर्फ ग्रोथ को स्टॉप तो वो होंगी माइक्रोबिस्टेटिक, ठीक हो गया। अभी सिर्फ ये जनरल सी डेफिनेशंस हैं, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो जन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।